नाजरीन इस वक्त आप देख रहे हैं इत्तेहाद डिजिटल नेटवर्क और हम पेशावर के पुराने मरकजी ख्वातीन के बाजार मीना बाजार में खड़े हैं और यहाँ जो जर्री के मलबूसात का कीमती मलबूसात का मरकज़ है और इसमें दुकानें मौजूद हैं। यहाँ एक दुकान पे मौजूद है हमारे साथ दुकान के ओनर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, इस काम की नौयत के बारे में सवालात इनसे पूछेंगे, कीमती मलबूसात हैं इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे, उसकी कौन सी अकसाम है, इसमें कारीगरों का क्या क्या उसकी सूरत हाल है इनसे पूछते हैं। लेकिन अभी कारीगर से हमारी बात हुई है, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, फरियाद कर रहे थे, उनका इस्तेहसाल कौन लोग कर रहे हैं, आप दुकानदार लोग कर रहे हैं या कौन लोग? शुक्रिया जी, मैं इस आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो ये हमारे बाप दादा से ये कि सब चलता आ रहा है पिछले 40-50 सालों से। बेसिकली ये काम जो है इसका ताल्लुक जो है वो शादी ब्याह से है। अगर हमारे इधर शादियाँ होती हैं और उसी मुबलसात हैं तो शादियों में ही पहने जाते हैं रेगुलर बेस पे, पार्टी वेयर्स भी उधर ही पहनती है लड़कियाँ और दुल्हनों के लिए भी यूज़ होता है। अगर ये काम होगा तो हमारे लेबर भी खुश होंगे। बाकी देखें, ये गर्मी में इस पेशावर में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई शादी ब्याह आसानी नहीं करता, तो काम इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है और इसके बरक्स काम ना होने की वजह से फ़र्क पड़ता है, कारीगर पे भी पड़ता है, दुकानदार पे भी पड़ता है। और सबसे अहम बात इस टाइम पे महंगाई है, महंगाई ने इंसान का बहुत बुरा हाल कर दिया। ना दुकानदार अफोर्ड कर सकता है, ना कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, वो ज़ाहरी बात है नुकसान जाता है गरीब निचले तबके को, तो इस्तेहसाल इधर कारीगर का हो जाता है, न इसमें दुकानदार जिम्मेवार है और ना ही हमारे और जो माशरे के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको जो हम कहना चाहेंगे महंगाई। मीना बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है, पेशावर का काफ़ी पुराना, इस यानी कि मलबूसात काम के हिसाब से तो काफ़ी नामवर बाज़ार है। और आजकल के हिसाब से जो फैशन में जो चीज़ें चल रही हैं, जो डिज़ाइनिंग चल रही है, आजकल आपको पता है नेट का दौर है, काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी इन चीज़ों की डिमांड है, तो ये चीज़ें फिर फैशन में आती हैं। और जब फैशन के बाद जब शादी में हो तो शादी में ज़ाहरी बात है हर किसी को चाहिए होता है कि यार अच्छे से अच्छा ड्रेस हो, तो हाथ का काम फिर हमारा जो कि बहुत पुराना काम चल रहा है, जिसमें किनारी का काम आता है, जिसमें कि पुराने तिलई के काम चल रहे थे, आजकल तो कुछ नए फैशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आजकल कुछ नई चीज़ें आई हैं जो कि इस मटेरियल में नए से नए काम को और भी अच्छा दिखता है, पिक्चर्स के हिसाब से भी, फ़ोटोशूट के हिसाब से भी, ज़्यादातर जो कि फैशन में चलता है, शादियों में जो आजकल फ़ोटोशूट चलता है, तो उसके हिसाब से जो डिज़ाइनिंग होती है, फिर इसमें स्टिचिंग का भी बहुत पॉइंट है काफ़ी हैवी कि स्टिचिंग में भी बहुत अच्छी इसकी सेटिंग करनी पड़ती है हमें, तो ये तकरीबन 10 हाथों से निकल के काम बनता है। फिर ये ड्रेस की जो आप लुक देखते हैं तो 10 हाथों से निकल के इसकी कितनी प्यारी लुक आती है, जिसमें कपड़ा, जिसमें काम, जिसमें टेलर की स्टिचिंग, उसके बाद इस काम की लुक नज़र आती है। तो कहने का मकसद ये कि इस काम में जितने भी टोटली हैंडमेड काम आजकल जो चल रहे हैं उसमें मिक्सर की सेटिंग फैशन के मुताबिक जो आजकल माहौल में जो चल रहा है, लेटेस्ट आप डिज़ाइनर देख लेंगे, काशी डिज़ाइनर हो गया, इस तरह कुछ और डिज़ाइनर है जिनकी नई से नई डिज़ाइनिंग आती है, हम फिर उनको यहाँ पर कॉपी करते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई तो डिज़ाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पर उसकी कॉपी करके उसको लाइट रेंज में कस्टमर को, आजकल जिस महंगाई का दौर में हम गुजर रहे हैं तो हर कोई ये सोचता है कि यार कम से कम अच्छी रेंज में हमें एक अच्छी चीज़ मिल जाए, तो हमारे पास वो चीज़ कॉपी फिर होती है, फिर हम वो कस्टमर को बनाते हैं। बारात का सूट आता है, वजमे का सूट आता है, इस तरह की मुख्तलिफ सेटिंग आती है। देखिए जी, माशाल्लाह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फैशन है, मोबाइल है, मोबाइल में आपको पता है जैसे ही आजकल जैसे ही नया डिज़ाइन लॉन्च होता है जैसे काशी डिज़ाइनर का, तो लोगों को इसमें तो कुछ शक नहीं है, लोगों की इतनी इस्तेदाद नहीं है आजकल के दौर में इतने हैवी ड्रेसेस बने, लेकिन ये कि चले शौक तो हर किसी का है, हर किसी ने बनवाना होता है, शादी में हर कोई डिफरेंट लगना चाहता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादातर ये चीज़ें कॉपी होती हैं। पेशावर में क्या कि बल्कि पूरे मुल्क में आप फिर किसी के हालत पोजिशन वो नहीं है कि जो आज से 4-5 साल पहले थी। पहले हमारी जो है तो यानी कटिंग हमसे करवा लेते हैं ना, ये बोतीक वाले काम वाले, फिर उसके बाद काम करके हमारे पास स्टिचिंग में आते हैं, सिलाई भी है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर हम बोतीक के काम, ब्राइडल काम ज़्यादा यानी तवज्जो से कि इसलिए करते हैं कि कीमती कपड़े आए, एक एक सूट 20-20 हज़ार, 15 हज़ार, 30 हज़ार का काम वालों से बनाते हैं, तो हमारी कोशिश ही होती है कि काम अच्छा हो। यार जी इतनी कोई ख़ास नहीं होती, मसलन दूसरे सूटों से 200-500 रुपये ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है। ये डबल सूट होते हैं मसलन, अब ये है इसके नीचे शमीज़ अलग होती है, दुपट्टा अलग होता है, नीचे ट्राउज़र गया या कैपरी वगैरह
बन गई वो अलग होती है, गरारा हो गया है, लहंगा ये शर्टें बनती हैं। ये ब्राइडल में भी यूज़ होती है चीज़ें, और ये आम पार्टी वेयर में भी होती है, एक और उसमें भी घरेलू पहनावे में भी होती है। ये सब चीज़ वगैरह है, इनको लेस कहते हैं, ठीक है। इसके में कुछ ऐसी चीज़ें कि उसमें टसल है, लेस है, सेंटर लेस होती है, इसमें मुख्तलिफ आइटम है, काफ़ी इसमें आइटम है। ये बड़ी उम्र की लड़की तकरीबन औरतें बूढ़ी औरतें ये सब कैसे पहनती हैं। ये कुछ तो पाकिस्तान में बनती है और कुछ चाइना से आती है, और ये हमसे लोकल लोग ही लेके जाते हैं, कुछ लोग ऐसे अफगानिस्तान वगैरह से आते हैं वो भी लेके जाते हैं, लोकल इस्तेमाल है, ज़्यादातर लोकल इस्तेमाल है। मसला ये कि आम मलबूसात जो रूसी मलबूसात हैं वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, लड़कियों के आजकल क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये चीज़ें अच्छी हैं कि ये कम खर्च में आपका काम कर देती है, ड्रेसेस खूबसूरत नज़र आते हैं, तो इस वजह से ये आजकल ज़्यादा चल रहा है। हमारा जो काम है वो शादी ब्याह के साथ ही ताल्लुक है इसका, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि एक आदमी आटे की बोरी नहीं ले सकता तो काम कैसे बनाएगा, घी के पीछे फिरे, बच्चों के लिए रोज़ी कमाए या शादी ब्याह के लिए कुछ मलबूसात बनाए, तो महंगाई इतनी हो गई कि हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। और पिछले हुकूमत में थोड़ा सा वो चलता रहा, लेकिन अब जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। अब शादी ब्याह में तकरीबन ये काम लोग नहीं करवा रहे, उस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। पहले जो सूट बनता था वो तकरीबन 10,000 ब्राइडल या 15,000, 55,000, 60,000 तक, वही सूट आजकल बन रहा है तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख का सूट बन रहा है। और हमारे काम की नुयत आपके सामने लगे हुए हैं, पहले हम बनाते तकरीबन 1500, 2000, 3000 का सूट होता था दुपट्टे समेत, और आजकल महंगाई इतनी हो गई कि 5000, 6000 से कम वो बिल्कुल काम पे वारा नहीं होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत से भी है, आवाम से भी है, कि हम हुनरमंद हैं यहाँ पे बैठे हुए, और कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से हमारा भी रिलीफ होना चाहिए। ये मेरे भाई ऐसा है कि इसको जरी का काम कहते हैं, ये जरी का काम है, ये सारा हाथ से बनता है, हैंडमेड। तो ये बहुत पुराना काम है, इसकी एक पुरानी तारीख है ये, माशाल्लाह मुझे इस काम में तकरीबन 45 साल हो गए हैं, और ये हाथ से बनता है। तो ये शादियों में पहना जाता है, दुल्हन पहनती है, दुल्हन की बहनें, दुल्हा की बहनें, दुल्हन की भाभियाँ, दुल्हा की भाभियाँ, तकरीबन सभी अपने लिए बनवाते हैं। तो ब्राइडल जो है वो दुल्हन के लिए बनता है, और पार्टी वेयर ड्रेसेस जो है वो जो बाकी लेडीज़ हैं उनके लिए बनते हैं। ये मतलब है कि जो बच्चे 10-12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र बैठते हैं ना, तो 8-10 साल में ये काम सीख जाते हैं। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर वो आगे पूरे कारीगर बन जाते हैं। लेकिन हमारे इस काम में माशाल्लाह जूनियर कारीगर हैं, सीनियर भी हैं, ऐसे कारीगर हैं कि जो मतलब जिनकी उम्र 60-60 साल है वो अभी तक काम बना रहे हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनको काम बनाते हुए 40-45 साल हो गए। तो ये हमारा जो जरी का काम है ये एक बड़ा खूबसूरत काम है। हमारा कस्टमर तो सारा लोकल ही है, लेकिन मतलब है कि हमारे पास पिशावर के मुख्तलिफ एरिया से ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, इसलिए कि ये जो हमारा बाज़ार है ना, मीना बाज़ार, ये बहुत पुराना है। पिशावर में सबसे पुराना और पहला बाज़ार यही है, इससे पहले और कोई बाज़ार नहीं होता था। तो फिर सन 90 में फिर सदर में और यूनिवर्सिटी टाउन में शॉप्स खुली हैं, लेकिन पुराना बाज़ार यही है, जो बेहतरीन कारीगर है वो इसी बाज़ार से मुंसलिक है। मेरा नाम अमजद खान है, मैं ज़री लेबर यूनियन खैबर पख्तूनख्वा का इन कारीगरों का सदर भी हूँ। हमारी एक यूनियन बनी है इसीलिए कि हमारे कारीगर आज़ाद जो होते हैं, ये जब जवानी होती है, जब इनके बाजू दम होता है, उस वक्त तो काम कर सकते हैं जब तक नज़र काम करती है। फिर ऐसा वक्त भी आ जाता है जब ये 30-40 से बाव हो जाते हैं, इनकी नज़र भी काम करना छोड़ देती है, फिर इनके बदन में वो जज्बे। हमारा काम ये ऐसा है कि हम गरीब लोग हैं, तो हमारा काम ये कि जी हम 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कम अज़ कम 10 से 12 घंटे तो हम काम करते हैं, तो हमें 700 से 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है इसमें। तो आप सोचें जी, इस नाजुक दौर में 800 रुपये दिहाड़ी में हम मतलब ये कि घर का किराया दें, बच्चों को खाना खिलाएं, बिल के बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें, या मतलब बच्चों की फ़ीस का करें, या घर के किराए का काम करें, यानी किसी तरह भी हमें कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद ये कि काम सीखने में ये बहुत पेचीदा काम है जी। असल में तो इसकी तारीख़ अगर आप देखें तो ये मुग़लों से शुरू होती है, और मुग़लों से शुरू होते होते ये हिंदुस्तान से फिर पाकिस्तान मुंतकिल हुआ ये काम,
उसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन कम अज़ कम मैंने 14 साल शागिर्दी की है, 14 साल मैंने अपने उस्ताद की खिदमत की, उसके बाद फिर मुझे कारीगरी का वो हुनर उन्होंने बख्शा है, फिर उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। असल में सर जी बात ये होती है, अक्सर लोग गलत फहमी में होते हैं, यहाँ पे ये लोगों बावर करते हैं कि भाई यहाँ पे ये कारखानेदार है, हमारा नाम वैसे होता है कारखानेदार, हम 2-4-5 बंदे कारीगरों को इकट्ठा करके तो उनको अपने पास बिठाते हैं, दुकानदार से एक आध कमीज़ या लहंगा या शरारा कोई चीज़ वो एक ठेके की शिकल में ले लेते, तो वो अगर 2-4-5 दिनों में या हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो उसी पैसों में से कारीगर को भी देते हैं, मटेरियल को भी देते हैं, खाना पीना चाय और ये बिजली के बिल वगैरह, और फिर उसमें अगर 2-4 हज़ार या कुछ बच जाए तो वो अपने बच्चों के लिए लेके चले जाते हैं। अदरवाइज़ हमने तंजीम भी बनाई, लेकिन मैं काफ़ी NGO से भी मिला हूँ, लेबर डायरेक्टर खुदा बख्शे, हमारे पहले एक लेबर डायरेक्टर थे फौज साहब, वो फोत हो गए, फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्टर आए, उनसे भी बात हुई है। मैं नेशनल सतह पे मैंने बहुत कोशिश की, फिर हमने लाहौर कराची पूरी पाकिस्तान लेवल पे तंजीम को मुतारफ़ कराया, वो अब भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सर सुनवाई नहीं हो रही। हम 25 साल से काम कर रहे हैं सिलमे का कढ़ाई को, और बस गुजारा थोड़ा बहुत होता है, मगर गर्मी में ज़रा हालात ख़राब होते हैं काम शाम के, और दुकानदारों से काम ख़राब होता है ना, सीज़न में सही काम करते हैं और देते हैं और गर्मी में थोड़ा काम देते हैं, गाहक होता है मतलब, मगर काम वो तरीके से देता है, अपने तरीके से देता है, नहीं हमें मजदूरी ज़्यादा नहीं देते, अगर वो 10 हज़ार कमाते हैं हम 1000 कमाते हैं। ये है कि कारखानेदार गरीब तो मलामत नहीं है ना, पैसे वो उसके पास होंगे तो हमें देंगे ना, दुकानदार नहीं देता वो किधर से लाएगा जी। हमारे तो ये मसाइल है इस काम में, ये काम जो है पहले आज से 20 साल पहले था, कारीगर को हम 100 रुपये 8 घंटों के दिहाड़ देते हैं, अब हम 1000 रुपये देते हैं कारीगर को 8 घंटों के, हमारे ऊपर इतनी महंगाई हो गई, ये जो माल है सिलमे का इसका जो मटेरियल है हर एक माल 50% से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसमें जो दबका है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, नक्शी काफ़ी महंगा हो चुका है, और मोती है क्रिस्टल है वो, और इसमें वैरायटी है नग है डायमंड के कट स्टोन लगते हैं इसमें महंगे वाले, ये जो दुकानदार साहब जो हैं हमारे दुकानदार जो हमारे सीनियर हैं हमको काम देते हैं सीज़न में, हमको मिनते करते हैं जारी करते हैं कि ये काम बनाओ, हम उन लोगों को इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, और जब मंदे आते हैं तो दुकानदार एकदम गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं गाहक नहीं है मैं किधर से पैसा ले आऊँ, हमारे पास जो ये लेबर है काम करते हैं मेरे पास जो मेरे पास जितने कारखानों में काम करते हैं लेबर, वो लेबर गरीब कुर्ता है, उनको पैसे टाइम पर हम नहीं दे सकते क्योंकि हम जाते हैं दुकानदार पर वो दुकानदार नहीं होता दुकान पर, फिर जाते हैं फिर नहीं होता, जब होता है तो कहते हैं काम नहीं है गाहक नहीं है, तो ये लेबर गरीब को हम क्या बताएँ कि काम नहीं है, उनका घर तो ये नहीं मानता कि काम नहीं है, आज सुबह जो बंदा जाता है काम पे कारीगर हमारे पास जो काम करता है वो हम हमारे पास आते हैं, हमारे पास जितना पैसा है हम इन्वेस्ट कर लेते हैं इन काम में, और हमारे पास भी नहीं होता, फिर वो गरीब ऐसे ही चले जाते हैं, सीज़न में उनको दुकानदार भी कहते हैं तुम काम करो मैं तुम्हें पैसा दूँगा, मैं भी कहता हूँ, और जब काम के दिन आ जाए बेरोज़गारी आ जाए तो इस काम में कोई रिजल्ट नहीं है, सब हम गरीब सुबह आते हैं रात को ऐसे ही चले जाते हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता, कारीगर भी गरीब खफा घर में टोरा हुआ है, कोई कौन से गांव से आता है कोई दूर बाहर से आता है, रास्तों में किराया लगाता है, बच्चे उनके इंतज़ार पे होते हैं कि पापा ये ले आएगा ये ले आएगा, इधर से पापा खाली जेब घर जाता है क्योंकि काम ही नहीं है, हमारे पास जितना पैसा है वो भी दुकानदार हमारे से फंसा लेता है। बस पाया भी बहुत कुछ है क्योंकि ज़िंदगी इसी में ही गुजर रही है, और शुक्र है मालिक का मतलब बच्चों को भी ब्याह दिया और गुजर बसर अब भी हो रहा है लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, ये सिलमे सितारे का जो काम है ना बिल्कुल ही डाउन हो गया, हमारे कारीगर बिल्कुल बेकार घूम रहे हैं समझ लो काम है नहीं, और ऐसी गर्मी आती है ना तो हमारा बस अगर सीज़न भी शुरू हो जाए तो कुछ मज़ा नहीं होता, महंगाई की वजह से कुछ हालात इस तरह जा रहे हैं कि बहुत परेशान है हर बंदा बहुत परेशान है, महंगी भी है देखो तो हम तो मजदूरकार लोग हैं ना, ये बाहर जो दुकानों पर मतलब बुटीक जो हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं और हमें वो अपनी कमीशन काट कर हमको कम पैसे देते हैं, बस इस वजह से हम तो मजदूरकार तबका है ना, सब गरीब तबका है, तो अगर इसका फ़ायदा होता है तो दुकानदार को होता है, हमें तो बस अपनी मजदूरी मिल जाती है, मेरे बेटे दो मेरे पास ही काम करते हैं तो शुरू से मतलब वो हालात अच्छे थे लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं बहुत, अब परेशान है कि हम बच्चों ने ये काम सीख लिया ना बच्चों ने, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ये काम छोड़ दे दूसरा कौन सा काम करे,
तो मेन मसला ये कि उनका भी कारोबार वो उनका और हमारा काम जो है बस यानी मिला जुला हुआ काम है। शादी ब्याहों का काम है ना, वो गर्मियों में शादियाँ बस होती नहीं हैं, हम अल्लाह के आश्रम में बस बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये कि मतलब हुकूमती तावन तो हमारे पास कोई है ही नहीं ना कि कोई ऐसा कोई बंदा आए कि जी आप मतलब बेकार घूम फिर रहे हो, घर में खाना पकाना बच्चे ये वो ये क्या सिलसिला चल रहा है। नहीं, ये हुकूमत तो हमें बिल्कुल पूछती भी नहीं है ना कोई बंदा भी, समझिए। अगर ऐसा कोई मसला होता कि जी ये गरीब आवाम ये अच्छा 12-12 हज़ार रुपया जो मालदार लोगों को आया है, सरमायदार लोगों को आया है, हम गरीब तबके को एक रुपया भी नहीं मिला, समझिए।